सेंटर प्रस्तुत करते हैं शांति समय। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका शांति समय में स्वागत करती हूँ। आइए कुछ वक्त प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना में बिताए गीतों के द्वारा। रेवरेंड सुनील मंतोड़े हमसे प्रभु यीशु के वचन के द्वारा बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति समय में आपका स्वागत है। विश्वास करते हैं आज का दिन यीशु की उपस्थिति में उसके सामर्थ्य अनुभव करने में शांति और आनंद का अनुभव करने में होगा। हम विश्वास करते हैं कि जो आपके लिए मैं प्रभु का वचन लेके आता हूँ और प्रभु का वचन बांटता हूँ, आपके लिए चंगाई लेकर, आपके लिए शांति, आनंद और प्रेम लेकर आता है। और विश्वास करते हैं आज तक हम आपके लिए आशीष कारण बन चुके हैं और विजय कर हम इसलिए विश्वास करते हैं कि हम जो प्रभु के वचन के द्वारा आपको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु वचन कहता है कि आपको सत्य आपको मालूम होगा और सच्चाई यानी सत्य आपको सारे बंधन से मुक्त करेगा। और इसलिए हमने शुरुआत की थी सिखाने के लिए कि हम किस तरह से जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उद्धार के रूप में उसको पाया है, वो कैसे वो व्यक्ति, वो लोग एक विजय से दूसरे विजय की ओर जा सकते हैं। और मैंने आपको बताया किस तरह से शैतान ने, जो प्रभु ने हमें जो अधिकार दिया है, वो अधिकार हमसे छीन लिया। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु वचन कहता है कि जब प्रभु ने जो हमें अधिकार दिया था, जो परमेश्वर ने आदम हवा को इंसान होने के नाते बनाया था, तो इंसान को अधिकार दिया था सारे सृष्टि के ऊपर अधिकार चलाने के लिए। सारे प्राणी, सारे जो भी परमेश्वर की सृष्टि है उसके ऊपर परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया था, लेकिन उसने पाप करने के द्वारा अपना अधिकार खो दिया। हमने देखा कि किस तरह से शैतान जो है अपने आप इस पहले जो जोड़ी थी उनके ऊपर वो सत्ता नहीं चला सकता, अधिकार नहीं चला सकता, लेकिन उसकी दो जो चालें थी उस जो चाल के द्वारा उनको वो फंसा सका। पहली बात जो है कि शैतान उनके ऊपर जो है जो एक प्रभाव के द्वारा उनको मोहित करने के द्वारा फंसा कर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने के लिए उसने उनको प्रवृत्त किया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब शैतान उस यदीन वाटिका में, उस बगीचे में आया, तो उसने अपने जो मीठा जो बात करने का तरीका उसके द्वारा उसने हवा को फंसाया और हवा जो है मोहित होकर उसके पाप के जाल में फंस गई। और आदम जो है, आदम फंसा नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी जो है, अपनी पत्नी को प्रेम होने के कारण कहा, उसने कहा कि मेरी पत्नी भी मर जाएगी तो उसके लिए मैं भी परमेश्वर आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। उसने वो फल खाया और उस दोनों ने परमेश्वर के विरुद्ध में आज्ञा का पालन न करने के द्वारा, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने के द्वारा, जो सृष्टि के ऊपर जो अधिकार था उसके द्वारा अपना अधिकार खो चुके। जो अधिकार उन परमेश्वर उनको दिया था पापों के द्वारा, परमेश्वर विरुद्ध चलने के द्वारा उनका अधिकार हो चुके थे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या हो गया, उसका परिणाम यह हुआ कि आज मैं बताना चाहता हूँ कि उसके द्वारा, पाप के द्वारा शैतान उनके ऊपर हावी हो गया। तो किस तरह से जो दुख भरी कहानी उनके जीवन में आ गई, तो तीन तरह का जो उसका परिणाम, पापों का परिणाम आया। और पहला परिणाम जो है कि परमेश्वर के जो छाया में थे, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर था, तो पाप करने के द्वारा, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा उनके जीवन में तीन दुख भरी जो परिणाम हुआ उसका बात कर रहे हैं। पहला परिणाम जो है कि जो परमेश्वर का उनके ऊपर अधिकार था, परमेश्वर ने उनको जो अधिकार दिया था वो अधिकार, और परमेश्वर के उनके ऊपर जो ढक्कन था, परमेश्वर जो उनके ऊपर जो छाया थी, वो छाया वो खो चुके। पहली बात कि पाप करने के द्वारा परमेश्वर के ऊपर, उनके ऊपर जो हाथ था, परमेश्वर की जो उनके ऊपर छाया थी, जो परमेश्वर ने उनको उसके पवित्रता ढक गया था, पापों के द्वारा वो ढक्कन जो है, अधिकार जो है, वो परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन से निकल गई। वो अपने जीवन में से परमेश्वर का अधिकार खो चुके। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम पाप करते हैं, पाप के द्वारा हमारे जीवन में परिमाण हो जाता है कि जो हम अपना अधिकार है, परमेश्वर के जो हमारे ऊपर जो उसका हाथ है, वो हाथ चला जाता है। ऐसा आदम और हवा के जीवन में हो गया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ, उसका परिणाम, पाप का परिणाम क्या हो गया कि जो परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया था सत्ता चलने का, राज्य करने का, सारे सृष्टि के ऊपर, सारे प्राणियों के ऊपर, सारे परमेश्वर की निर्मित ऊपर जो परमेश्वर ने आदम और हवा को अधिकार दिया था, वो अधिकार वो खो चुके। अधिकार से हम क्या करते हैं, सत्ता चला सकते हैं, राज्य चला सकते हैं, लेकिन पापों के द्वारा आदम और हवा ने
अपना अधिकार जो सत्ता करने का, जो सारे मानव जाति के ऊपर, सारे सृष्टि के ऊपर, सारे जीव प्राणी को जो अधिकार था, वो अधिकार खो चुके। और तीसरा परिणाम क्या हो गया? पापों के द्वारा तीसरा परिणाम यह हो गया है कि जो परमेश्वर का अधिकार उनके जीवन के ऊपर से निकल कर शैतान का अधिकार उनके ऊपर आ गया, यानी उनके लिए नया मालिक शैतान बन गया। तो जब हम पाप करते हैं तो हम अपना जो मालिक पिता परमेश्वर है उसको छोड़कर हम शैतान की गुलामी जाते हैं, हम परमेश्वर का अधिकार छोड़कर शैतान के गुलाम बन जाते हैं, और शैतान हमें दास बनाकर, गुलाम बनाकर अपने इच्छा के अनुसार हम लोगों को बर्बाद करने शुरू कर देता है। तो उसी तरह हम लोगों ने देखा किस तरह से परमेश्वर ने उनको आदम हवा को बनाया था, लेकिन पाप करने के द्वारा, आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा आदम हवा ने अपना अधिकार खोया। आज दुनिया में शैतान हमें फंसाने के लिए, उसका जो प्रभाव लोगों के ऊपर डालने का जो सामर्थ्य है, उसके द्वारा लोगों को फंसा रहा है। आज हम न चाहते हुए भी गंदा काम करते हैं, न चाहते हुए भी जो हमें बात करना नहीं चाहिए वो करने लगते हैं, न चाहते हुए भी जो हम करना नहीं चाहते हो लोगों के विरुद्ध में हम काम करते हैं, जिसके द्वारा हम शैतान के गुलाम बन जाते हैं। शैतान के गुलाम होने के नाते हम जो अपने अपने सगे लोग हैं, जो अपने पवित्र लोग हैं, उनके विरुद्ध हम काम करने शुरू कर दे, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर हमारा ऊपर जो मालिक था वो अभी मालिक वो नहीं बल्कि शैतान मालिक है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पापों से हमेशा दूर रहें, पापों के द्वारा हम शैतान के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन हम ये सीख रहे हैं कि किस तरह से हम यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, किस तरह मसीह होने के नाते हम अपना विजय जीवन हम बिता सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद जो आज हम पापों में जी रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु हमारे लिए फिर से उस स्थिति में हमें पुनर्स्थापित करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से मानव जाति का जो अधिकार उन्होंने खोया है, वो फिर से वो अधिकार को परमेश्वर पुनर्स्थापना करना चाहता है, फिर से वो उस स्थिति में, वो अधिकार में परमेश्वर हमें लाना चाहता है। शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के मार्ग में पवित्रता का जीवन जिए, लेकिन हम फसावट के जीवन में हम अपने जीवन के बर्बादी को देखें, ये शैतान चाहता है। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे आज तक सीखा है कि किस तरह से पापों का जो परिणाम होता है हमारे जीवन में कि हम अपना अधिकार खो देते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने योजना बनाई। परमेश्वर की योजना जो है, फिर से जो आदम ने, जो इंसान ने अधिकार गवाया है, जो खोया है, उस खोए हुए अधिकार को फिर से इंसान को देना चाहता है। हम लोग यहाँ पे कुछ वचन के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं, पहले पेत्रस उसका पहला अध्याय 18 से 20 तक, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मसीह जो है हमारे लिए इस दुनिया में आया, उसका जो उद्देश्य था कि उस उद्देश्य के द्वारा शैतान के सारे चालों को वो तोड़ सके, जो हमने अधिकार हमने खोया है उस अधिकार को फिर से हमें देने के लिए और दुनिया में अपना अधिकार प्रस्थापित करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु के लोग होने के नाते प्रभु परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, तो फिर से हम परमेश्वर के कुटुंब होने के नाते, परमेश्वर का परिवार होने के नाते अपना अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस तरह से हम शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं, और हर दिन हमारा जीवन जो होगा लोगों के लिए आशीष का कारण हो सकते हैं, हम एक विजय से दूसरे विजय की ओर जा सकते हैं। जैसे हमने बताया कि हम निराशा से हम विजय की ओर जा नहीं सकते, हम लोग पराजय से हम विजय की ओर नहीं जा सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना बनाई उस योजना के अनुसार एक विश्वास से हम आगे के विश्वास में जा सकते हैं, एक विजय से हम दूसरे विजय की ओर जा सकते हैं। शुरुआत में उत्पत्ति के तीसरे अध्याय और 14 और 15 में परमेश्वर वचन कहा था, जिसके लिए उसको कहा है कि वो स्त्री का बीज हो गया, यानी स्त्री की संतान। ये जो वचन जो है, वचन परमेश्वर के बारे में भविष्यवाणी करता है कि कई सालों के बाद जो स्त्री से जो संतान पैदा होगी, जो पवित्र होगी, और वो शैतान के सारे चालों को, शैतान को बर्बाद कर दे, शैतान का नाश करने के लिए आएगा। तो हम लोग इसलिए देखते हैं परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 3:14-15 में कि किस तरह से प्रभु यीशु जो है वो हमारे लिए अपनी जान देकर, अपने मृत्यु को ग्रहण करने के द्वारा शैतान की चालों के ऊपर शैतान को किस तरह से बर्बाद करने वाला है, शैतान नाश करने वाला है, शैतान को पराजित करने वाला है, और हमें वो अधिकार देने वाला है। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु के वचन जो हम लोग सीख रहे हैं उसमें 1 कुरिन्थ 11:3 के वचन के अनुसार तो परमेश्वर वचन कहता है कि जो स्त्री की संतान जो है
वो सर को कुचल देने वाली है। तो सर जो होता है इंसान के जीवन में, हम सर जो होता है हमारा सर, वो सर हमेशा एक अधिकार के बारे में बोलता है। कहाँ भी जो हम जैसे बोलते हैं हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम लोग किस संस्था का जो मुखिया होता है, यानी मुखिया होना है, अपना सर जो है हमारे शरीर में मुख्य है। तो इसलिए जो अधिकार है हमारा सर जो है वो अधिकार दिखलाता है। तो इस वचन में कहा है कि स्त्री की संतान जो है वो शैतान का सर कुचलने वाला है। तो यीशु मसीहा सूली के ऊपर शैतान का जो सर है कुचल देने वाला है। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु का वचन कहता है किस तरह से वो जो है शैतान का अधिकार, शैतान की जो सत्ता है, शैतान का जो राज्य है, उसको किस तरह से नाश करने वाला और बर्बाद करने वाला है। तो ये यीशु जो है स्त्री की संतान है। प्रभु धन्यवाद देते हैं इसलिए कि हम लोग कहते हैं कि प्रभु के वचन के अनुसार जो यीशु जो है वो मानव जाति के लिए वो सर है, और वो जो है वो शैतान के सर को कुचल देने वाला है। और यीशु मसीहा अपने जीवन के द्वारा सुलीक पे ऊपर अपने जान देकर उस शैतान को पराजित करने वाला है। इसलिए धन्यवाद देते हैं ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो अधिकार, जो सत्ता इंसान ने, मानव जाति ने खोई है, वो फिर से यीशु के द्वारा उनके जीवन में पुनर्स्थापित की जा सकते हैं। तो आज यीशु के द्वारा फिर से हम शैतान के ऊपर विजय पा सकते, शैतान के ऊपर हम बलशाली हो सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो प्रभु का वचन यहाँ पे दूसरा वचन जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि जिसके द्वारा हम अपना अधिकार जो है अधिकार को जानते हैं, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु के लोग होने के नाते हम जो है राज्य की संतान बन चुके हैं, हम लोग रॉयल प्रिस्टूड बन चुके हैं, परमेश्वर की एक परिवार का हिस्सा बने, जो राज घराने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि प्रभु का वचन हम जो प्रार्थना करते हैं प्रभु की प्रार्थना में कि प्रभु तेरा राज्य है, जो स्वर्ग का राज्य है उस स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होने के नाते, और स्वर्ग का राज्य जब पृथ्वी पर आएगा तो शैतान के सारे राज्य जो है वो टूट जाएंगे, उसका नाश हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु जो है वो प्रभु यीशु फिर से हमें धार्मिकता के द्वारा, पवित्रता के द्वारा अपना अधिकार हमें दे सकता है। आज दुनिया में जो लोग पाप करते हैं वो लोगों के गुलाम बन जाते हैं, वो अपना अधिकार खो चुके होते हैं। सो जो हमारा उद्धारकर्ता जो है मसीहा जो है वो एक राजघराने का है, क्योंकि प्रभु का जो भविष्यवाणी थी, वादा जो था कि स्त्री की संतान दुनिया में आएगी और वो शैतान को कुचल देगी, शैतान के सर को कुचल देगी। तो हमारे लिए यीशु जो है एक राजघराने का उद्धार करता है, जो हमारे लिए आया है हमें फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए आया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो वचन के द्वारा हम सच्चाई को मालूम कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रभु का वचन कहता है गलती अध्याय 4:4-7 वचन में कि परमेश्वर का वचन कहता है कि इसी मकसद से परमेश्वर ने एक विषय उद्देश्य के द्वारा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जो स्त्री की संतान है, जो राजघराने का जो उद्धार करता है, जो मसीहा है उस दुनिया में आया, और जिन्होंने उसको विश्वास किया है वो उनके लिए वो जो नियम के अंदर थे उस नियमों का जो अधिकार था वो अधिकार फिर से पुनर्स्थापन करने के लिए यीशु मसीह आया। गलती 4:14 वचन से लेकर 7 वचन तक हम लोग जो पढ़ते हैं यहाँ पे कि किस तरह से परमेश्वर की संतान हम बन चुके हैं, क्योंकि यीशु जो है वो हमारा उद्धार करता है, वो राजघराने से आकर हमें राजघराने में उसकी संतान बना देता है, और उसके मृत्यु के द्वारा, सूली के ऊपर जाने के द्वारा शैतान की उस पापों के रास्तों को वो तोड़ देता है, और हमें धार्मिक बनाने के लिए, हम पवित्र बनाने के द्वारा हमारा अधिकार पुनर्स्थापित है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का वचन कहता है उत्पत्ति 3:15 कि यीशु मसीहा जो है वो स्त्री की संतान है, यीशु मसीह स्त्री की संतान है। इसलिए गलती हमने 4 देखा कि किस तरह से वो स्त्री की संतान होने के द्वारा यहां पे आया और शैतान का सर कुचल दिया है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का वही जो उद्देश्य था कि मानव जाति को पापों से छुटकारा दिलाए, मानव जाति को उद्धार करे और फिर से उनको अपने अधिकार में पुनर्स्थापित करें। तो हम आज प्रभु धन्यवाद देते। तो हम लोग वो चौथी बात देखते हैं कि यहाँ पे शैतान ने उसकी योजना जो है वो इंसान के जीवन में पूरी तरह से उनको फंसाया था। उनकी योजना थी फिर से परमेश्वर की योजना को क्या करे, वो तोड़ दे, फिर से यीशु मसीहा जो इस दुनिया में आया उसको मारने के द्वारा परमेश्वर योजना को बर्बाद करने की उसकी योजना थी। लेकिन वो धन्यवाद देते हैं कि प्रभु वचन कहता है मत्ते 4:3 में कि प्रभु यीशु कहता है कि मैं, प्रभु यीशु जो है वो जो यहाँ पे
परमेश्वर की संतान है। यहाँ पे वो क्या करता है, आया है, वो बताया कि मैं आया हूँ जो खोए हुए हैं, जो आज पापों में डूबे उनको खोजने के लिए मैं आया हूँ, उनको फिर से मैं शांति और आनंद देने के लिए आया हूँ। प्रभु धन्यवाद देता हूँ। इसलिए जो शैतान की योजना थी कि उसको मालूम हो गया कि यीशु मसीहा जो है परमेश्वर की संतान है और मानव की संतान है, कि जिसको अधिकार है शैतान के सब चालों को और शैतान की सारी योजना को बर्बाद करने की। इसलिए शैतान ने जो है प्रभु को वचन कहता है कि उसने उसको परीक्षा में डालने की कोशिश की, उसकी परीक्षा ली, उसको मोह में डालने की कोशिश की। मत्तै 4:8-11 वचन तक इस वचनों में हम देखते हैं किस तरह से वो शैतान जो है यीशु को मोहित करने के द्वारा, पापों में उसकी परीक्षा लेने के द्वारा, पापों में उसको परमेश्वर के विरुद्ध में उल्लंघन करने के द्वारा उसको फंसाना चाहता था। इसलिए प्रभु वचन कहता है कि वहां पे प्रभु यीशु ने अपने अधिकार से शैतान के ऊपर विजय पाया है। यहाँ पे जो दिखाया या अलग जो किया है कि शैतान ने उसकी परीक्षा ली, लेकिन सारे परीक्षा में वो विजय पाए। एक परीक्षा जो थे कि शैतान ने उसको कहा कि तू जो अधिकार चाहिए तो मेरी आराधना कर, यानी शैतान ने उसको आराधना करने के लिए, शैतान की स्तुति भक्ति करने के लिए उसको मोहित किया, लेकिन प्रभु यीशु ने उसके ऊपर विजय पाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु की जो परीक्षा थी वो परीक्षा सच में थी, सच में उस परीक्षा के ऊपर प्रभु यीशु ने विजय पाया। तो हम भी शैतान के सारे मोह के ऊपर, सारे परीक्षा के ऊपर विजय पा सकते हैं। दूसरी बात जो है कि शैतान ने अपना अधिकार जो है वो अधिकार पूरी तरह से यीशु के ऊपर चलाने की कोशिश की, क्योंकि शैतान के पास वो अधिकार था, क्योंकि मानव जाति ने, आदम ने अपना अधिकार खोया था और शैतान वो अधिकार लेकर यीशु जो मानव था उसके ऊपर विजय पाने की कोशिश की। लेकिन प्रभु का चिन्ह कहता है कि प्रभु यीशु ने सारे मोह के ऊपर, जैसे हम लोग हमारे जीवन में जिस तरह से परीक्षा आती है, जिस तरह से हम मोह आ जाता है, तो प्रभु का चिन्ह कहता है कि प्रभु यीशु के जीवन में हमारे मानव जाति के लिए जो मोह आते हैं, जो परीक्षा आती है, उस परीक्षा के ऊपर प्रभु यीशु ने विजय पाया। दूसरी बात जो है, शैतान ने प्रभु यीशु को मारने की कोशिश की। प्रभु का वचन हमें दिखाता है कि किस तरह से प्रभु यीशु जो है वो स्त्री की संतान होने के नाते उसके बारे में जो भविष्यवाणी की थी, उसके बारे में जो वादा किया गया था, जो वचन कहे गए थे, उसके अनुसार वो स्त्री के संतान होने के नाते वो शैतान को कुचलने वाला था, शैतान को मार देने वाला था। वो प्रभु का वचन यहाँ पे देखा है कि शैतान ने यीशु को मारने की कोशिश की, लेकिन प्रभु यीशु जो है, प्रभु यीशु इस सारे परीक्षा के ऊपर, सारे शैतान के मोह पर उसने विजय पाया है। तो यहाँ पे शैतान ने कोशिश की लेकिन वो अपयशी हो गए। शैतान ने यीशु को मारने की कोशिश की लेकिन वो पराजित हो गए। प्रभु यीशु के हाथ में ताकत है, प्रभु यीशु में वो शक्ति है कि शैतान को वो पराजित कर सकता है, उसको बर्बाद कर सकता है। शैतान सोचा कि यीशु को मारने के द्वारा मैं विजय हो सकता है, लेकिन जो सूली के ऊपर यीशु का मृत्यु होना, इसका जो सत्य है, उसमें जो सत्यता है, उसमें जो रहस्य छुपा है, वो शैतान को मालूम नहीं था। शैतान को मालूम नहीं था कि यीशु क्रूस पर जाने के द्वारा उसके अधिकार को वो बर्बाद करने वाला था। उसको लगा कि मैं यीशु को मार दूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन यीशु का सूली के ऊपर मर जाना यही जरूर था, क्योंकि यीशु जो है वो सर्वमानव जाति के लिए एक बलिदान होने के लिए, कि जिसका बलिदान के द्वारा सारी मानव जाति जो पापों का गुलाम बन चुकी है, पापों के दास बन चुकी है, उसके सूली पे मर जाने के द्वारा, बलिदान के द्वारा, उसकी कीमत चुकाने के द्वारा वो मानव जाति छुटकारा पाने वाले थे। तो शैतान नहीं समझ सका कि यीशु का सूली पर मर जाना कितना महत्वपूर्ण है। वो चाहता था कि यीशु को मार देगी, सूली मर जाएगा तो सारा खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु धन्यवाद देते, क्योंकि जो प्रभु यीशु जो है, प्रभु यीशु सूली पर मर जाना हमारे मानव जाति के लिए अच्छा था। इसलिए हम गुड फ्राइडे को, उस फ्राइडे को क्या बोलते हैं, गुड बोलते हैं, यानी अच्छा शुक्रवार की, क्योंकि यीशु अपने जान देकर, मृत्यु देकर, मृत्यु का अनुभव लेकर, मृत्यु को अपनी जान देकर उसने वो सूली के ऊपर, शैतान के ऊपर विजय पाया। इसे धन्यवाद देते। प्रभु का वचन कहता है 1 करिन्थु उसके 2:8 वचन ने कि शैतान की जो ताकत थी, शैतान का जो अधिकार था, कोई समझ नहीं सका कि यीशु सूली पर मरने के द्वारा उसका अधिकार टूट जाने वाला है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम सीख रहे हैं कि किस तरह से हम शैतान के अधिकार के ऊपर, शैतान के सारे योजना के ऊपर, शैतान के सारे मुश्किल पर विजय पा सकते हैं। आज तक हमने सीखा और आगे आने वाले दिनों सीख रहे हैं कि किस तरह से हम एक विजय से दूसरे विजय की ओर जा सकते हैं, किस तरह जो हम यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु को जो मसीहा ग्रहण करने के द्वारा किस तरह से हम विजय जीवन जी सकते हैं।
आज हमारे जीवन में मुसीबत है कि जिसके द्वारा शैतान हमें पराजित करना चाहता है, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद है क्योंकि प्रभु वचन का जो भी हमारे जीवन में होगा हमारे लिए अच्छा होगा। यीशु के सूली के ऊपर बलिदान देने के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलते हैं, यीशु के उस सूली के ऊपर मार खाने के द्वारा हमें चंगाई और छुटकारा मिल जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय जो आप बीमार हैं, आपके जीवन में मुश्किल है, हम आपके लिए प्रार्थना करें। विश्वास करें कि मैं जब प्रार्थना करूँगा प्रभु यीशु आपको छुएगा और चंगाई देगा। और आने वाले दिनों में सीखें किस तरह से प्रभु ने हमें जो अधिकार दिया है, जो अधिकार जो हमने एक बार खोया था फिर से हमें प्राप्त होगा यीशु के द्वारा। तो मैं प्रार्थना करूँगा आपके लिए, क्योंकि जब अपने पापों को तौबा करते पश्चाताप करते हैं प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें नया जीवन देता है। और इसी समय जब मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए तो आपको चंगाई का अनुभव हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु ने मार खाया और उस मार खाने के द्वारा हमें चंगाई प्राप्त हो चुकी है। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें पवित्रता प्राप्त होते हैं। प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे साथ प्रार्थना करें और विश्वास करें कि प्रभु आपको इस समय छू रहा है, आपको छुटकारा प्राप्त हो रहा है। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए, धन्यवाद देते कि प्रभु यीशु आप इस जीवन में आए हैं, हमारा जो अधिकार हमने खोया था, मानव ने खोया था, वो आपने फिर से आपके मृत्यु के द्वारा, आपके सूली पे जाने के द्वारा, आपके लहू के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है। आपके लहू के द्वारा पवित्र शुद्ध हो चुके। सारी बीमारियों को जो आज बीमार है उस बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से मैं निकाल देता हूँ। सारे बंधन को, सारे तनाव को, सारे मुश्किलों को यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ देते और यीशु का अधिकार से हम चंगाई कबूल करते। इसी समय आप लोग चंगे हो चुके हैं प्रभु यीशु, आपने लोगों को छुआ और चंगाई दी, सारी मुश्किलें दूर हो चुकी है प्रभु, शांति का आनंद और आनंद का अनुभव आपने उनको दिया। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से, आमेन। विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ने आपको छुआ है, अपने आप को जांच लो, देख लो, सारी बीमारी जा चुकी है, सारी मुश्किलें गिर चुकी है, प्रभु यीशु ने आपको छुआ है। आपको जो अनुभव आया है तो हमें खत के द्वारा लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, फोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह की शांति हमेशा हमेशा आपके साथ बने रहे, आमेन। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का ये शांति समय आप सबके लिए आशीष से भरा हुआ हो। हमें संपर्क करने के लिए इस पते पर लिखें। हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टारव्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर 610, सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टारव्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर 610, सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा टेलीफोन नंबर है 8082428488932321742। आप हमें ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mantode@gmail.com।